कहानी की शुरुआत में रात में विंसन नाम के आदमी को जंगल के बीचों बीच खुदाई करते हुए दिखाया जाता है। इसी जंगल के पास एक घर होता है जहां पर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की अपने भाई और अपने मॉम डैड के साथ रहती है और रोज वो इसी जंगल के रास्ते होते हुए अपने घर जाती है। और एक दिन जब वो अपनी दोस्तों के साथ स्कूल से घर आ रही होती है तभी उसकी दोस्त के मॉम डैड गाड़ी लेकर आ जाते हैं। उसके दोस्त अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में चले जाते हैं और अब एलिजाबेथ जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ चल पड़ती है। पर तभी जंगल के अंदर से वही आदमी जो खुदाई कर रहा था जिसका नाम विंसन है वो एलिजाबेथ को अपने पास बुलाता है। विंसन कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम्हारे घर के आसपास नशीली चीजों की खेती होती है इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। साथ ही उसके गले में एक बेल्ट भी लगा देता है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि हमने तुम्हारे छोटे भाई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। एलिजाबेथ उसके साथ नहीं जाना चाहती पर वो उसकी बातों पर यकीन कर लेती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। विंसन एलिजाबेथ को अपने साथ जंगल के अंदर ले जाता है। रास्ते में एक जगह वो उसे बिठाकर कहता है कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। साथ ही वो एलिजाबेथ से अजीब अजीब सवाल पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। एलिजाबेथ को भी अब उसकी इंटेंशन समझ में आ जाती है पर इस वक्त वो मजबूर है क्योंकि इस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। विंसन उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो गड्ढा कर रहा था। दरअसल उसने जमीन के नीचे अब एक बंकर बना लिया है जहाँ एलिजाबेथ को जंजीर से बांध देता है और कहता है कि तुम्हारे गले में जो बेल्ट है उस बेल्ट में बॉम्ब लगा है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। वहीं एलिजाबेथ की मॉम एलिजाबेथ के घर वापस न आने की वजह से परेशान हो जाती है। वो एलिजाबेथ के सभी दोस्तों को कॉल करती है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता कि एलिजाबेथ कहाँ पर है। इसके बाद एलिजाबेथ के पिता, उसकी मॉम, उसका भाई सब एलिजाबेथ को जंगल में ढूंढना शुरू कर देते हैं। एलिजाबेथ का भाई उस नदी तक भी पहुंच जाता है जिस नदी के पास बंकर है पर वो बंकर तक नहीं पहुंच पाता। अब रात हो जाती है इसीलिए एलिजाबेथ के माता पिता पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस इनके घर पर आती है और आस पड़ोस में हर जगह को सर्च करती है पर एलिजाबेथ का कुछ पता नहीं चलता। पुलिस इस केस को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती क्योंकि उनके पास इस तरह के केस आते रहते हैं जहां पर बच्चे अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं और अगले दिन वापस आ जाते हैं इसीलिए पुलिस वाले वहां से निकल जाते हैं। जब एलिजाबेथ अगले दिन भी घर नहीं आती तो अब पुलिस अलर्ट हो जाती है। वो एलिजाबेथ के स्कूल जाती है और उसके दोस्तों से पूछताछ करती है। एलिजाबेथ के फ्रेंड पुलिस को बताते हैं कि किस तरह से एक दिन पहले उन्होंने एलिजाबेथ को आखिरी बार जंगल के रास्ते में गुड बाय कहा था। पुलिस और एलिजाबेथ के सभी परिवार वाले एलिजाबेथ को कई बार जंगल में ढूंढते हैं लेकिन उन्हें एलिजाबेथ का जंगल में कोई सुराग नहीं मिलता। वहीं एलिजाबेथ पिछले दो दिनों से बंकर के अंदर है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। विंसन उससे कहता है कि मैंने बाहर चारों तरफ बॉम्ब लगा रखे हैं, अगर कोई बंकर के पास आने की कोशिश करेगा या तुम भागने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा पैर बॉम्ब के ऊपर आ जाएगा जिससे बॉम्ब फट जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर तुम भागने में कामयाब भी हो गई तो मुझे तुम्हारे घर का पता है, मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे छोटे भाई को मार दूंगा। एलिजाबेथ उसकी बातों से बहुत ज्यादा डर जाती है। विंसन इसके बाद एलिजाबेथ को कुछ खाने के लिए देता है लेकिन वो मना कर देती है। विंसन कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। एलिजाबेथ समझ जाती है कि अगर वो यहाँ से निकलना चाहती है तो उसे विंसन की हर एक बात माननी होगी। दरअसल विंसन पूरी तरह से मेंटली स्टेबल नहीं होता, वो एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता है और उसने तय कर लिया होता है कि वो एलिजाबेथ को हमेशा इसी बंकर में अपने साथ रखेगा। और अगली सुबह एलिजाबेथ जब बंकर में कुछ कर रही होती है तभी उसे अपने पिता की आवाज आती है जो उसे ढूंढते हुए बंकर के आसपास पहुंच गए होते हैं। विंसन उनकी आवाज सुन लेता है और एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर चुप रहने के लिए कहता है। एलिजाबेथ के पिता जो कि ऊपर होते हैं वो बंकर के पास से गुजर जाते हैं लेकिन बंकर को इस तरह से विंसन ने बनाया होता है कि कोई उसे देख नहीं पाता और इस तरह से एलिजाबेथ के दिल में जो एक उम्मीद जागी थी वो पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं अब ये खबर मीडिया में फैल जाती है जिसमें एलिजाबेथ देखती है कि अब उसे पुलिस ढूंढ रही है। साथ ही वो अपने माँ बाप को भी देखती है जो कि रो रहे होते हैं। उन्हें देखकर एलिजाबेथ को बहुत दुख होता है। एलिजाबेथ को इस बंकर में पूरे चार दिन हो चुके हैं। कई लोगों को लगने लगता है कि एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस भी हार मान चुकी होती है। चार दिनों में एलिजाबेथ को समझ में आ चुका है कि विंसन बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं
नहीं है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम जंगल के बीचों बीच इस बंकर में क्यों रहते हो। विंसन कहता है कि मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रहा करता था, मेरी गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था और उसने मेरे ऊपर यौन हरेसमेंट का केस किया, जिस वजह से पुलिस पिछले एक साल से मुझे ढूंढ रही है। ये बंकर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए बनाया था और इससे पहले कि मैं उसे बंकर में लेकर आता वो ये देश छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और एक दिन मैंने तुम्हें देखा, जिसके बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगा। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये पूरा का पूरा एक पागल इंसान है। अब रात को जब विंसन को नींद आ जाती है तो एलिजाबेथ चुपके से उठती है। वो उसकी गन को हासिल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है लेकिन उसके गले में जंजीर बंधी हुई है, इसलिए वो गन तक नहीं पहुंच पाती। तभी विंसन भी उठ जाता है। एलिजाबेथ उठने का झूठा बहाना करके साफ साफ बैठ जाती है। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दरअसल यहाँ पर हेलीकॉप्टर उसे ढूंढ रहा होता है। एलिजाबेथ कोर अपने आप को विंसन फॉयल पेपर से कवर कर लेता है ताकि डिटेक्टर से पुलिस को यहाँ पर इनकी मौजूदगी का पता ना चले, जिसके बाद एलिजाबेथ विंसन के ऊपर हाथ रखती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि उसे किसी भी कीमत पर इसका विश्वास जीतना होगा। वो विंसन से कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और न चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए उससे विंसन के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। एलिजाबेथ को इस बंकर में पूरे 6 दिन हो चुके हैं लेकिन अब विंसन उसके ऊपर विश्वास करता है कि एलिजाबेथ उससे प्यार करती है, इसीलिए उसके गले की जंजीर भी वो खोल देता है। वहीं एलिजाबेथ के पिता उसके गायब होने से बहुत परेशान होते हैं, हमेशा वो उसकी याद में रोते रहते हैं। एक रात को विंसन एलिजाबेथ को लेकर बाहर आता है। वो एक गाड़ी के पास जाता है जिसमें खाने का कुछ सामान होता है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि खाने का सामान यहाँ पर कौन रखता है, क्या ये तुम्हारी वाइफ ने या गर्लफ्रेंड ने रखा है, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जो एलिजाबेथ को ढूंढ रहा होता है। विंसन का ध्यान इससे भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ अपना एक शूज वहीं पर उतार देती है। इसके बाद विंसन एलिजाबेथ को लेकर बंकर में वापस आ जाता है। यहाँ एलिजाबेथ को यह भी पता चलता है कि विंसन के पास एक मोबाइल भी है। विंसन जब सो जाता है तो वो उसके मोबाइल को हासिल करती है, अपनी मॉम के लिए एक मैसेज टाइप करती है, पर वो मैसेज नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर कोई भी टावर यानी कवरेज नहीं होता, इसीलिए वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है। तभी उसकी नजर विंसन की गन पर जाती है लेकिन किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देती, गन में गोली नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर के बाद जब विंसन अपनी गन को चेक करता है तो देखता है कि गन जाम है। उसे समझ में आ जाता है कि ये एलिजाबेथ ने किया है, पर एलिजाबेथ साफ मना कर देती है। साथ ही वो उसके हाथ के ऊपर बड़े प्यार से हाथ रखती है जिससे विंसन को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। वहीं एलिजाबेथ ने जो अपनी मॉम को मैसेज भेजा था वो मैसेज डिलीट करने से पहले उसकी मॉम को डिलीवर हो गया होता है। इस मैसेज में एलिजाबेथ ने लिखा था कि एक आदमी ने घर के पास मुझे बंकर में कैद करके रखा है। इस मैसेज को लेकर एलिजाबेथ के मॉम डैड पुलिस के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी ने मजाक किया होगा। एलिजाबेथ की मॉम कहती है कि इसमें एलिजाबेथ ने अपना निक नेम लिखा है जो हमारे परिवार के अलावा किसी को नहीं पता। पुलिस को उनकी बातों पर यकीन आ जाता है। वो उस नंबर की डिटेल्स निकालते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ ही महीने पहले कैथरीन नाम की एक लेडी ने इस नंबर को लिया था। वो कैथरीन के घर जाते हैं। कैथरीन बताती है कि विंसन जो कि मेरा बॉयफ्रेंड था उसको मैंने नंबर दिया था और अब मैं उसके टच में नहीं हूँ। जब भी उसे सामान चाहिए होता है तो मुझे कॉल करता है, जिसके बाद मैं सारा सामान जंगल में एक गाड़ी की डिग्गी में रखकर आ जाती हूँ। पुलिस को वो उस गाड़ी तक ले जाती है और बताती है कि विंसन कहाँ से आता है और कहाँ जाता है मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद वो विंसन के घर की तलाशी लेते हैं जहाँ पर उन्हें 2 बंकर दिखते हैं। दरअसल विंसन ने यहाँ पर भी बंकर बनाए थे जहाँ पहले वो छुप कर रहा करता था। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि विंसन बहुत ज्यादा डरपोक है, इसीलिए वो इस पूरी न्यूज को मीडिया में बता देते हैं ताकि विंसन इस न्यूज को देखने के बाद बंकर से बाहर निकले। जब मीडिया इस न्यूज को दिखाती है तो विंसन इस न्यूज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपनी मॉम को मैसेज किया होगा, जिस वजह से पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया। एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा, अगर तुम चाहो तो अपना फोन चेक कर सकते हो। एलिजाबेथ के कहने पर वो अपना फोन चेक करता है। एलिजाबेथ एक बार फिर से उसे अपनी बातों पर यकीन दिलाती है। विंसन बहुत ज्यादा परेशान होता है। एलिजाबेथ
वैद्य कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम दोनों एक साथ यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर दोनों एक साथ निकले तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो तुम यहाँ पर मुझे लेने आना। इसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। विंसन एलिजाबेथ की बात मानकर उस बंकर से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ बाहर निकलती है। 10 दिनों के बाद आज उसने सूरज की रोशनी देखी है, लेकिन वो बंकर के आगे नहीं जाती। तभी उसे पुलिस की आवाज आती है और वो जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो पुलिस को बताती है कि आसपास बॉम्ब है, लेकिन जब पुलिस चेक करती है तो सबके सब नकली बम होते हैं। दरअसल विंसन ने उसे डराने के लिए उससे झूठ कहा था। इसके बाद पुलिस एलिजाबेथ को लेकर उसके घर आती है, जहाँ पर पूरा परिवार उसे गले लगाकर बहुत रोता है। कुछ दिनों के बाद विंसन को भी पकड़ लिया जाता है। उसके ऊपर और भी बहुत सारे केसेस होते हैं। विंसन समाज के लिए खतरा है, इसीलिए उसे 400 से भी ज्यादा सालों की सजा सुनाई जाती है। और इसी के साथ ये मूवी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, यहीं पर खत्म हो जाती है।